वेलकम यू ऑल टू आवर ब्यूटीफुल चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपने पिछली वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंपैरिजन किया था, या फिर आप कह सकते हो वेरिएशन किया था मोलर कंडक्टिविटी का विद डाइल्यूशन। ओके, और उसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया था मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और हम डिस्कस करने जा रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट, तब तक कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वीडियो का बाकी का पार्ट अपलोड नहीं हो पाया। तो चलिए आज कंप्लीट करते हैं उसी वेरिएशन वाले पार्ट को। तो आज की जो हेडिंग है वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या फिर चेंज इन डायरेक्शन। तो चलिए लगा लेते हैं हेडिंग वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, ठीक है ना। और किसकी मोलर कंडक्टिविटी, जी हाँ, डाइल्यूशन की जगह पे आप कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो। नहीं तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे, अरे सर टेक्स्ट बुक में तो कॉन्सेंट्रेशन दिया, आप किधर डाइल्यूशन पढ़ा रहे, आ रहा है समझ में। तो ये तो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने एक ग्राफ पढ़ा था ऐसा कुछ, याद है, ऐसे ये एक्स एक्सिस पे लिया था स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और ये वाई एक्सिस पे लिया था मोलर कंडक्टिविटी। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ आया था वो कुछ ऐसे आया था, ऐसे काफी लीनियर टाइप का था, और हमने उसे एक्सट्रापोलेट किया था ऐसे। ओके, ऐसे एक्सट्रापोलेट किया था तो यहाँ पे वैल्यू आई थी जिसका नाम दिया था हमने मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि जैसे एक्स्ट्रापोलेट करोगे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो मतलब क्या, इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन जीरो मतलब कुछ सल्यूट ही नहीं, और हम जानते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा माना जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। तो इसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसी किसी बुक में इसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी लिखा जाता है, या फिर आप इसे कह सकते हो मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या कह सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये था किसका, ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब हम देखने वाले हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बट उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं इधर ये जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं। जी हाँ, सब कुछ सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसका ग्राफ प्लॉट किया, तो हम सबने पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इनटू 1000 बाय सी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। और हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा था कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते जाता है। तो मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, जैसे जैसे पीछे जा रहा हूँ ये बढ़ते जा रहा है, तो फाइनली उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है आप, ये ऑलमोस्ट पैरेलल है। अब देखिए इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ये देखिए, ये जो लाइन है ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, मतलब जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे पीछे की तरफ आ रहे हो, ओके, जैसे जैसे आप टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहे हैं, इसमें ऑन एक्स एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और डाइल्यूशन बढ़ रहा है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे जैसे आप पीछे की तरफ आ रहे हो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है, क्योंकि यहां पे हमने देखा जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये देखिए, जब कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो गया तब मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आप देख सकते हो काफी ज्यादा हो गई। ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन कम और मोलर कंडक्टिविटी कितना ज्यादा। और अगर ये पॉइंट पे लेते हो तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे इस पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी कम। ओके, मतलब एक चीज हमने सीखा कि कॉन्सेंट्रेशन जितना कम मोलर कंडक्टिविटी उतना ज्यादा। हाँ, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है वो ये है कि जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक। जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ प्लॉट किया तो ये आगे चल के ऐसे पैरेलल हो जाए। ओके, और ऐसे ग्राफ को बोलते हैं
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ। मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, ये जो हमारा जो ग्राफ आया, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और y एक्सिस के अगर पैरेलल हो गई, इसका मतलब क्या? ये y एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जी हाँ, आप और मैं दोनों जन जानते हैं कि टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने वाला नहीं है। मतलब आप इसमें एक्स्ट्रा जो प्लॉट करते हो ना, एक्स्ट्रापोलेशन मेथड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट नहीं होगा। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कैलकुलेट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया। तो ये तो हमने पढ़ा ग्राफिकली, क्योंकि ये जो लाइन है इसको कट नहीं कर पा रही है, और कट नहीं कर पा रही है इसीलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी नहीं पढ़ा निकाल पा रहे। कब? जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये तो हमारा ग्राफिकल स्टडी, ग्राफिकल। ओके, अब हम जरा इंस्ट्रूमेंट में क्या हुआ होगा वो देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो आप सबको पता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है कंडक्टोमीटर। ओके, उसमें ऐसे दो प्लेट्स होती है, और इनका जो लेंथ होता है 1 सेंटीमीटर, और एरिया भी 1 सेंटीमीटर, और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है अगर आपको याद हो ऐसे। और इसके बीच में जो भी आयन आते हैं उसे वो मेजर करता है। सर ये ग्राफ भी आ गया आपका, ठीक है, इसे उठा देता हूं। ओके, तो अब देखो, अब मैंने इसमें अपने पूरे इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया। इसका कलर थोड़ा अलग रखते हैं। जी हाँ, ये ऐसे काफी ऊंचा है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, और ये पूरा अपने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। ठीक है, बट ये जो कंडक्टोमीटर है ये कितने का मेजर करता है? जी हाँ, इसमें जितने आयन, मतलब ये के होता है। और हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इनटू वी। मतलब मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? कंडक्टिव के ऊपर। मान लीजिए इसमें डाइल्यूशन के पहले ऐसे 10 आए, कितने आए थे? 10 आए। सर इसमें तो 10 दिख नहीं रहे। अरे बना लो ना यार, ऐसे 10 हो। अब इसका डाइल्यूशन करते जा रहे, मतलब और पानी डालो। और एक ऐसा टाइम आया कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने कम आयन हो गए कि जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो उसे प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर ही नहीं रहा है। मतलब एक बात बोलूं तो सिंपल सी ये है कि कंडक्टिविटी कैनॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इस केस में कंडक्टिविटी को एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर पाते। रीजन क्या उसका? सिंपल सा रीजन है कि ये इसके अंदर आयंस ही नहीं है, क्योंकि आयन जब ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाते थे तभी तो कंडक्टेंस होता था। अब आयंस ही नहीं है, और आयंस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आयन एकदम कम है, और उनकी वजह से जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये था एक्चुअल में प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि सर पानी बढ़ा रहे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और टूटेगा। जी हाँ, मैंने ऑब्वियस ऑडियो मतलब अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ आयंस आते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसे लिख लीजिए और फिर मैं बताता हूं कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता करें। तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसे। ओके, तो आपने इसे लिख लिया है, अब मैं मिटा देता हूं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि हम जो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं कर पाते। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसका जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है कोलरॉस। क्या नाम है? कोलरॉस। कोलरॉस ने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज। आप सबने अभी देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि डाइल्यूशन के बाद जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है उसके अंदर आयन ही सफिशियंट नहीं होते कि हम कंडक्टिविटी को मेजर कर सके। तो
कोलरॉस ने एक्चुअल में किया क्या, कोलरॉस ने ढेर सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डायरेक्शन पे पढ़ाई किया और उनको कुछ ये ऑब्जर्वेशन मिला। तो मैं कोलरॉस के ऑब्जर्वेशन को लेकर, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ना माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl ये बराबर हो गए किसके, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr दोनों का जीरो कॉन्सेंट्रेशन। और यहां तक ये भी देखा गया कि ये बराबर हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ki माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaR। अगर ये रिलेशन को आप ध्यान से देखो, जी हाँ ऑब्वियसली उन्होंने सबके मोलर कंडक्टिविटी को जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कैलकुलेट किया और फिर उसका डिफरेंस देखा। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं इसमें अनायन जो है वो फिक्स है, ये देखिए अनायन अनायन कॉमन है, इन दोनों में भी अनायन कॉमन है, इसमें भी अनायन कॉमन है। तो उन्होंने क्या देखा जी हाँ मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूँ। इसकी वैल्यू जो थी वो थी 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए क्या बेहतरीन चीज है, मतलब ये जो सीएल है इसका जो मोलर कंडक्टिविटी कब, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे। और इस सीएल का जो मोलर कंडक्टिविटी है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तभी तो ये कैंसिल हुआ होगा, क्योंकि ये कैंसिल हुआ तो ये भी कैंसिल हुआ है और ये कैंसिल हुआ है तो ये भी कैंसिल हुआ है, तभी तो जो डिफरेंस है मोलर कंडक्टिविटी के प्लस का और मोलर कंडक्टिविटी एन ए प्लस का जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे वो सेम आया। इसका मतलब कोलरॉस ने ऑब्जर्व किया कि सीएल माइनस की मोलर कंडक्टिविटी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन है, लेकिन कब जब जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन है। उन्होंने और एक बेहतरीन चीज ऑब्जर्व की, जरा देखिए ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl और ये भी कब, जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब यहां पे ये सब जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे K है, यहां पे भी K है, मतलब इसमें Br और Cl का जो मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए, Br और Cl के मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस और इसमें Br और Cl के मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस दोनों सेम आ रहा है, मतलब Br को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन है, यहाँ पे Cl को फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन है, ठीक उसी तरह इस Br को फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ Na प्लस है या फिर K प्लस है। इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर एक आयन का खुद का मोलर कंडक्टिविटी होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर एक आयन का खुद का मोलर कंडक्टिविटी होता है और उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसका को आयन कौन सा है, को आयन मतलब उसके साथ वाला आयन कौन सा है, मतलब Br को ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ K प्लस है ओके या फिर Na प्लस है, ठीक उसी तरह Cl को फर्क नहीं पड़ता उसके साथ K प्लस है या फिर NaCl। और इसकी भी मैं वैल्यू बता देता हूँ आपको, इसकी वैल्यू आई थी 1.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जी हाँ मुझे ये पता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इसे जान के हम क्या करेंगे, तो जी हाँ डिटेल में हमें जानना है कि एक्चुअल में कोलरॉस ने किया क्या। तो कोलरॉस ने पता कर लिया कि हर एक आयन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी होती है वो उसके को आयन के इंडिपेंडेंट होती है, तो कोलरॉस ने लॉ दे दिया। तो कोलरॉस का लॉ क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस मतलब क्या जी हाँ सीएल को फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ के प्लस है या फिर एन ए प्लस, और इसी ऑब्जर्वेशन के साथ ये अपना लॉ दे दिया, किसने, कोलरॉस ने। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कोलरॉस का स्टेटमेंट, तो जरा ध्यान से सुनिएगा कोलरॉस का स्टेटमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोलरॉस इस लॉ पे कैसे है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर क्या ये सेम कैलकुलेशन हम मोलर कंडक्टिविटी के साथ नहीं कर सकते, मतलब क्या जरूरी है जीरो कॉन्सेंट्रेशन, क्या है जीरो कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है,
जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसा बिहेवियर ऑब्जर्व होगा, ओके? और क्या सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे लेगी? सर ये कैसा बात कर रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, वो तो बता ही रही है कि वो मोलर कंडक्टिविटी है। जी हाँ, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ओके, या फिर मोलर कंडक्टिविटी ऐसे नॉर्मली, मान लीजिए एक एक मोल सोल्यूशन लिया है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को आपने नॉर्मल रखा है, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नहीं किया है। तो इससे होता क्या है, जरा देखिए ध्यान से। अगर आप KCl लो तो इसका जब सोल्यूशन लेते हो आप, ओके, और जब जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, जब जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊ ना, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लॉ नॉर्मल कंडीशन में क्यों एप्लीकेबल नहीं होता। मान लीजिए ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन वाला केस नहीं है, तो ये सोल्यूशन में क्या होगा, के प्लस होगा और सीएल माइनस होगा और ऐसे वाटर हर जगह फ्लो होगा, ओके। नो डाउट इलेक्ट्रोड होगी जिसपे सीएल माइनस जाएगा, सीएल माइनस किस पे जाएगा, एनोड पे, और सॉरी सीएल के प्लस किसके ऊपर जाएगा, कैथोड के ऊपर, और सीएल माइनस जाएगा एनोड के ऊपर। तो वो जब इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे तभी वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो होता क्या है, ये के प्लस सीएल माइनस को अट्रैक्ट करता है, ये के प्लस सीएल माइनस को अट्रैक्ट करता है। ठीक उसी तरह एक और बीकर ले लीजिए और इसमें ले लीजिए आप Na प्लस और Cl माइनस, और ये उसका सोल्यूशन। नो डाउट इसे भी अगर कंडक्ट करना है तो Cl माइनस को अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना होगा। तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा कुछ न कुछ, इसके बीच में Na प्लस और Cl माइनस, कौन सा अट्रैक्शन, जी हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस है और चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे कूलम्ब ने बताया था। अब जरा ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे डाइल्यूशन बहुत कम है, तो जब सीएल माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो उसके मोशन को ये अफेक्ट करेगा, ये खींचेगा उसको, किसको, सीएल माइनस को। ठीक उसी तरह सीएल माइनस को एनए प्लस खींचेगा। तो इन दोनों में जो सीएल माइनस का मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू आएगा वो सेम नहीं आएगा। वो सेम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, एनए प्लस का पावर खींचने का सीएल माइनस को अपनी तरफ कंपेयर टू के प्लस अलग होगा, और जब अलग होगा तो Cl- का मोलर कंडक्टिविटी दोनों केस में अलग अलग आएगा। इसीलिए हम जनरली इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला केस लेते हैं। जनरली जब मैं क्लास लेता हूँ बहुत सारे बच्चे मेरे को यही डाउट पूछते हैं, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ। क्यों समझा, क्योंकि जब आप इसका जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखोगे तो Cl- की वैल्यू सेम नहीं आएगी, वो अलग अलग होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने कोलरोस लॉ के स्टेटमेंट। तो बड़ा ही बढ़िया काम किया कोलरोस चाचा ने, और इन्होंने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसको शॉर्ट आउट कर दिया। तो इनका जो ब्यूटीफुल सा स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ये है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हम एक्स्ट्रापोलेट करके ढूंढ ले रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ईच आयन एट इनफाइनाइट dilution, each ion contribute, या फिर each ion migrate independently, हर एक आयन क्या होता है, independently migrate करता है, and contribute to टोटल मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कोआयन विथ विच It is associated. तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, at infinite dilution मतलब at zero concentration. Each ion migrate independently and contribute to total molar conductivity. मतलब हर एक आयन जो है वो फ्रीली मूव करता है किसकी तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ, और टोटल मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है, और उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ वाला आयन कौन सा है। जैसे मैंने अभी बताया KCl के साथ और NaCl के साथ, Cl को ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ K+ है या फिर Na+ है। आया समझ में, तो
अगर मान लीजिए इसका एक एग्जांपल दो और मुझे कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस, नो डाउट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये बराबर होगा इसके मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2Al3 प्लस आयन प्लस 3 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2-. जी हाँ, Al2SO4 थ्राइस कुछ ऐसे होता है, Al3 प्लस SO4 2-, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे बनता है Al2SO4 थ्राइस। तो आपको पता होगा सल्फेट के कितने आयन है, सल्फेट के 3, और एल्यूमिनियम के कितने, तो ये 2 एल्यूमिनियम और ये 2 एल्यूमिनियम आयन, ये उनका मोलर कंडक्टिविटी, और ये 3 सल्फेट आयन, ठीक है, और ये उनके मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल। तो ये क्या है, ये Al2SO4 थ्राइस ये रिप्रेजेंट करता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, Al3 प्लस, ये रिप्रेजेंट करता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस, और ऐसे ही ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2-. जी हाँ, इनकी मोलर कंडक्टिविटी को उनके आयन से मल्टीप्लाई करना जरूरी।